हाइड्रोलिक जैक बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो इसमें है, 2 पाइप, 1 सिलेंडर, 2 मेल, 2 निपल, 4 वाइसर्स। हाइड्रोलिक जैक को फिट करने के लिए 2 पाना लगेगा, 20, 22, 24, 27। इसमें 4 वाइसर है, 2 वाइसर हमको ये नली में लगाना है, दोनों में एक एक वाइसर। दो मेल है, 2 मेल लगाने हैं, दोनों नली में एक एक। गोल्ड है हमारी तरफ से, हमारी तरफ बाद में तो 2 निपल है, 2 निपलों में दोनों में वाइसर लगा देना। बाद में ये दोनों नली इसको लगा देना है, इधर पानी से टाइट कर देना है, फुल टाइट, थोड़ा सा पीले नहीं, इस तरह से सीधा रख के लाइन में। ये हमारा जैक कंप्लीट हो गया, जो हाइड्रो प्लाव साइड की किट है वो कंप्लीट हो गई, जैक बन के। अब इसे प्लाव में किस तरह से लगाना है वो आपको आगे दिखाते हैं। हमें जैक कंप्लीट होने के बाद इसे ट्रैक्टर में लगाना है, ये सिलेंडर कितना इंच तक खोलना है वो भी हम खोल के दिखाते हैं, ठीक है।
5.5 इंच ये खुल जाना चाहिए। तो गैप खुल जाए बाद में इसको निकाल लेना है हमको। फिट करने के लिए चक्की माना छोटी सी हथौड़ी और दो यूपिन। खुलता भाग है वो नीचे रहेगा और जो क्लोज है पूरी तरह से बंद है वो भाग ऊपर आएगा। ऊपर में बंद भाग है वो जो भाग खुलता है सिलेंडर का वो रोड नीचे की साइड आएगा। खुलता रोड नीचे की तरफ, क्लोज रोड है वो ऊपर की तरफ रहेगा। ये हमारा हो गया पूरी तरफ से हाइड्रोलिक प्लग फिटिंग जैक का।